हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ ऊपर से जूसी दिखने वाला और अंदर से सॉफ्ट सॉफ्ट कैरेमल पुडिंग। ये खाने में जितना टेस्टी है ना, उतना ही इसको बनाना आसान है। इस पुडिंग को बनाने के लिए सबसे पहले कर लेंगे शुगर को कैरेमलाइज्ड। तो मैंने लिया है 2.5 टेबल स्पून शुगर, जिसको मैं करने लगी हूँ चम्मच से लगातार चलाते हुए कैरेमलाइज्ड। तो हमारा चीनी जो है वो पिघलना शुरू हो गया है, तो इस टाइम पे हम इसको लगातार चलाते रहेंगे। जब तक चीनी पूरी तरह पिघल ना जाए तब तक हम इसको लगातार चलाते रहेंगे। चीनी पिघलने के बाद इसमें अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर आ जाता है। और हाँ, चीनी को कैरामलाइज्ड करने से पहले आपको केक टिन पहले ही तैयार कर लेना है, यानी केक टिन में ऑयल से पहले ही ग्रीस कर लेना है। मैंने भी केक टिन को ऑयल से ग्रीस कर लिया है, केक टिन नहीं मैं छोटे से पतीले में इसको बनाने वाली हूँ, तो मैंने इसी को ग्रीस कर लिया है। और फटाफट जैसे ही चीनी पिघल जाए तो इसको केक टिन में ट्रांसफ़र कर देंगे और इसको घुमाते हुए फैला देंगे। पर मेरा जो कैरामलाइज शुगर है वो हल्का सा जम गया है, पर कोई बात नहीं, जब हम इसको बेक करेंगे ना तो ये खुद ब खुद मेल्ट हो जाएगा। तो अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो मैं तैयार कर रही हूँ बैटर। बैटर बनाने के लिए मैंने सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल किया है। तो 1/2 कप मैंने लिया है कस्टर्ड पाउडर, 1 कप मिल्क और 1/2 कप कंडेंस्ड मिल्क। और बस इसको अच्छी तरह फेंट लेंगे, एक भी लम्स ना रहे। आप चाहे तो इस प्रोसेस को मिक्सर में भी कर सकते हैं, एक दो बार मिक्सर घुमा दीजिएगा तो अच्छे से ये मेल्ट हो जाएगा सब कुछ। आप चाहे तो इसमें एग मिलाकर भी बना सकते हैं, लेकिन मैं इसको विदाउट एग बना रही हूँ। और हाँ, अगर आप इसमें ब्रेड स्क्रैम्बल डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं। केक टिन को मैंने एल्युमिनियम फॉइल से कवर कर लिया है। और आप इसको जिस भी बर्तन में बना रहे हैं, चाहे पैन या फिर भगोने में, उसमें पानी ले लीजिए, स्टैंड लगा के बेकिंग टिन डाल दीजिए। भगोने या फिर पैन में पहले पानी और स्टैंड डाल के प्री हीट कर लीजिए। उसके बाद मैंने इसको 15 मिनट के लिए बेक किया। तो 15 मिनट पर मैं इसको चेक करके देख रही हूँ और ये पुडिंग जो है काफ़ी जल्दी बेक हो जाती है, लेकिन मेरा जो बैटर था वो काफ़ी पतला था, तो इस वजह से ऊपर ऊपर पानी आ गया और नीचे से अच्छी तरह बेक हो चुका है। फिर भी मैं इसको थोड़ी देर और बेक कर रही हूँ। तो 5 मिनट मैंने इसको फिर से बेक करी और चेक करती हूँ कि अभी भी वैसा ही है या अच्छी तरह बेक हो गया। 5 मिनट और बेक करने के बाद भी पता चला कि ये बेक नहीं होगा, तो मैंने इसको फ्रिज में सेट कर लिया 1/2 घंटे के लिए और ये बिल्कुल अच्छी तरह सेट हो चुका है। तो 1/2 घंटे फ्रिज में रखने के बाद ये अच्छी तरह सेट हो चुका है और फ्रिज का लेवल जो है मैंने फुल कर दिया था। तो बस चाकू से इस तरह से पुडिंग को केक टिन से अलग कर लेंगे। और फिर मैंने इसको पलटा, तो ये पलटाया नहीं, क्योंकि मैंने जब इसको फ्रिज में सेट होने रखी तो इसका कैरेमल भी चिपक गया होगा। तो बस इसको हल्का सा चूल्हे पर रख दीजिए ताकि ये मेल्ट हो जाए अंदर से, तो ये आसानी से निकल जाएगा। तो हाँ, इसको हल्का सा आँच दिखाने के बाद ये निकल गया है और हमारा एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट और स्मूथ सा कैरेमल पुडिंग बनके तैयार है। तो हमारा सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट्स में ही महंगा वाला डिजर्ट बनके तैयार है। इस कैरेमल पुडिंग को जब भी दिल करे आप बनाइए, जब भी कुछ मीठा खाने का दिल हो, और ये बहुत ही आसानी से बन जाता है। तो वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से ऐसी और रेसिपी देखने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए।